हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है लेक्चरर से रिलेटेड, और जानेंगे इसका फुल डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करते अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको बस यूट्यूब पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरे चैनल का। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो है लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी, या आपके कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज, या आपके जो है फेलोशिप या स्कॉलरशिप से रिलेटेड वैकेंसी, या एमएससी या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है उसको मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR JRF UGC JRF DBT JRF ICMR JRF गेट, या आप जो है BSc MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो है जॉब से रिलेटेड कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन टाइप्स के जो वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम आ जाते हैं उस नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया ये UPPSC की तरफ से आया। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है कुछ पोजीशंस निकाली हैं, और देखिए यहाँ पे जो पोजीशंस वो आपको लेक्चरर की देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जो है लाइक पोजीशंस को निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 3 स्टेज करके। तो आपको ये 3 स्टेज में जो है आपका अपना जो लाइक एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट करेगा। तो पूरा डिटेल आप मेंशन कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में आपको पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी सेकंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में आपको जो है प्रोसीड करना पड़ेगा फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे 3 स्टेज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी जनरल या EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज और आपको जो ऑनलाइन पोस्टिंग चार्ज है वो 25 रुपीज, तो टोटल यहाँ पे 225 रुपीज पे करना होगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल 105 रुपीज़ पे करना होगा। और आप हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपीज़ जो है वो पे करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ 105 रुपीज़ जो है वो पे करना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इन्होंने जो है पूरा आपको फी सेक्शन दे रखा है। तो आपको जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना फी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया, प्रिंसिपल ये पोस्ट को निकाला गया। तो प्रिंसिपल की पोस्ट ले 5 जनरल में है, 3 SC, 4 OBC, 1 EWS, तो टोटल 13 वैकेंसी है। वहीं देखिए लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस में, देखिए आपको जितने भी सब्जेक्ट है टेक्निकल ब्रांचेस में, चाहे वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो सबके लिए वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। इसके अलावा लेक्चरर की पोजीशन नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी निकाला गया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे आपको वैकेंसीज को देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 1370 यानी 1370 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, तो रिजर्वेशन आपका जैसे आप OBC, SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको अगर आप UP से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप प्रिंसिपल के लिए जो है आपको PhD होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, ठीक है, एट आइदर बैचलर और मास्टर लेवल रिलेवेंट डिसिप्लिन, और आपका मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो प्रिंसिपल की पोस्ट है। यहीं देखिए लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो BE, BTEC या BS होना चाहिए आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और यहाँ पे जो है आपका लेवल 10 का आपको यहाँ पे पे ग्रेड दिया जाएगा। ऐसे लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जिस भी चीज़ में आपका लाइक BTEC है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लाइक अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस भी एलिजिबिलिटी में आपके पास डिग्री है BTEC की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड। तो देखिए यहाँ पे नॉन साइंस भी लाइक बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में वैकेंसी निकली, तो नॉन इंजीनियरिंग में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे देखिए आपका मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास होना चाहिए और आपको यहाँ पे नेट जो है कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, जो कि रूल है। अगर आपके पास नेट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पे जो है वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड पॉइंट भी दे रखा है कि अगर आपका लाइक 6.25 ग्रेड पॉइंट, 55%, 6.75 है तो आपको 60%, इस वे में जो है अगर आपका लाइक आपका PG डिग्री ग्रेड पॉइंट में, या आपका BTEC डिग्री जो है वो ग्रेड पॉइंट में, और आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज जिस टाइप में बन रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करें तो आप यहाँ पे एज लिमिट जो है वो देख सकते हैं कि आप ये एज आप उस पर्टिकुलर एज में आ रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज अगर आप पर कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है तो आप जो है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का जो है लाइक एज रिलैक्सेशन दिया गया, वहीं OBC में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ और फॉर्म्स मेंशन कर रखे हैं, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट सेगमेंट हो गया, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे जो है लाइक UPSC की वेबसाइट पे आपको इस टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलता है मोस्टली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर आपका जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन मेंशन कर रखा है कि आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 3.5 x 6 cm होना चाहिए, और आपका इमेज जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है, सब लाइक गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्होंने लाइक सेल्फ लाइक इन्होंने यहाँ पे कुछ लाइक फॉर्मेट दे रखे हैं फॉर्म्स के, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए, और आपका लाइक क्या लाइक उसका मोस्टली जो है 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे इन्होंने मैंशन कर रखी है। इसके अलावा जो है और भी कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंशन लाइक रह गया है। तो ये सब जो आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू योर लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट बनवा दें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो नेम एम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर एग्जाम विल बी हेल्ड आर लखनऊ एंड प्रयागराज। लेकिन एक चीज़ ये मेंशन कर रखी है कि आपके जितने भी एग्जाम होंगे वो आपका या तो लखनऊ सिटी में होंगे या प्रयागराज। तो इन्होंने मेंशन कर रखा था नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर एग्जाम विल बी हेल्ड आर लखनऊ एंड प्रयागराज। अब लखनऊ में ये मल्टीपल जो है वो आपके लाइक सेंटर बनाएंगे, सिमिलरली अगर प्रयागराज में भी यहाँ पे जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर यहाँ बनाएंगे, और जो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेंटर ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड होगा कि आपका कितना जो है एप्लीकेशन रिसीव किया गया है, और उसके बाद ही जो है आपको जो डिस्ट्रिक्ट है एग्जाम सेंटर की वो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। लेकिन ये एक बात कंफर्म है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो या तो लखनऊ में होंगे या आपके प्रयागराज में होंगे, जो कि एकदम क्लियर इन्होंने क्लियरली जो है वो मेंशन कर रखा है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने आपके मेंशन कर लिया, आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आप एग्जाम लाइक फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें कि आप जिस भी आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या आप जो है किसी भी लाइक सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अपना पहले एलिजिबिलिटी जो है क्लियरली मेंशन लाइक देख लें। ठीक है, अगर आप एलिजिबल होने इस पर्टिकुलर कैटेगरी में तभी आप उसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका एग्जाम निकल जाता है और आपका एलिजिबिलिटी आप मैच नहीं होता है तो आपको जो है यहाँ पे सीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना एलिजिबिलिटी जरूर देखें और अपना जो भी रिजर्वेशन जो है वो भी अच्छे से आप जो है देख लें कि आप कौन से रिजर्वेशन में लाइक अगर आपके पास है तो कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो, साथ ही साथ जो लेटेस्ट उस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट आप वो बनवा के रख लें अभी से रख लें, ताकि आप जो है आगे चल के अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कोई भी लाइक दुविधा ना हो और आप इजली जो है इस लाइक आप सेलेक्ट हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर से, और जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन बैंक पे करने की वो 12 अक्टूबर है, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 15 अक्टूबर। तो ये चीज़ एक देख लीजिए आपकी, आपका लास्ट डेट 15 अक्टूबर है और जो स्टार्ट डेट है 15 सितंबर है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आप जितना हो सके उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अगर आप जो है लेट या डेट आने के लाइक डेट लाइक लास्ट डेट से अगर एक दिन पहले करते तो उस टाइम पे क्या होता है कि सर्वर डाउन भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।